और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर है, प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 1995 के दोहरे हत्याकांड में उन्हें यह सजा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रभुनाथ सिंह जुड़े थे और इसके साथ ही ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है, जिसमें उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई है और साथ ही पीड़ित को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया गया है। तो दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रभुनाथ सिंह जो पूर्व सांसद हैं, उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आप बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज 1995 में हुए दोहरे हत्याकांड मामले को लेकर सुनवाई हुई थी। अंतरिक्ष में भारत एक और इतिहास रचने वाला है। चांद के बाद अब भारत सूर्य की ओर जा रहा है। आदित्य L1 मिशन लॉन्च के लिए तैयार है और इस मिशन का लक्ष्य क्या है, आइए जानते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब भारत अंतरिक्ष में एक और ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान आदित्य L1 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने लॉन्चिंग की रिहर्सल भी कर ली है और अब दुनिया भर की निगाहें इस मिशन पर है। भारत अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचने वाला है। आदित्य L1 मिशन का मकसद क्या है और ये कैसे सूर्य की स्टडी करेगा, आइए जानते हैं। आदित्य L1 सूर्य की करेगा स्टडी। सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन Lagrange Point 1 में स्थापित किया जाएगा आदित्य L1। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है Lagrange Point। Lagrange Point 1 से सूर्य की स्टडी के कई फायदे। सूर्य पर लगातार नजर रखने में मिलेगी मदद। आदित्य L1 में है 7 पेलोड। सूर्य के फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और बाह्य परतों की स्टडी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स से स्टडी। एक्चुअली दैट इज अ स्टडी प्रोजेक्ट। आई थिंक दे आर गोइंग टू स्टडी एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 लाख किलोमीटर। इट इज गोइंग क्लोजर टू सन एंड दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कोर एंड इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। सी इन इसरो वी हैव नो डर्थ ऑफ नॉलेज और इंटेलिजेंस और एनीथिंग। सूर्य धरती का सबसे करीबी तारा है और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट भी। सूर्य की स्टडी से मिल्क वे के तारों की ज्यादा जानकारी जुटाई जा सकेगी, लेकिन ये स्टडी धरती पर रहकर नहीं की जा सकती। सूर्य से लगातार रेडिएशन निकलता है, लेकिन धरती का वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड हानिकारक रेडिएशन को रोक देता है। ऐसे में सूर्य की स्टडी के लिए अंतरिक्ष में जाना जरूरी है। इसके अलावा सोलर विंड या सौर हवाएं अंतरिक्ष में कैसे ट्रैवल करती हैं, ये जानने के लिए भी धरती के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलना ही जरूरी है। इसी उद्देश्य से भारत अंतरिक्ष आधारित आदित्य L1 मिशन भेज रहा है, जो अंतरिक्ष में रहकर सूर्य से जुड़ी जानकारियां जुटाएगा। आदित्य L1 में अनेक उपकरण हैं जो कि विभिन्न संस्थानों का योगदान है। इनके जरिए सूर्य से आते हुए विकिरण, एक्स किरणें और ऊर्जावान कणों का अध्ययन होना है। सूर्य का जो कोरोना है वो अंतरिक्ष में फैलता जाता है, जिसको कि हम सोलर विंड के रूप में जानते हैं। सोलर विंड का अध्ययन होगा और इन सब के जरिए एक किस्म से हम पृथ्वी के आसपास के परिवेश में स्पेस वेदर को हम जान पाएंगे और बहुत सी चीज़ों के लिए जो है हमें इतनी दूर जाना चाहिए जहाँ पर कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उससे हम दूर हों, ताकि जो सूर्य से आने वाले ऊर्जावान कण हैं उनका हम समुचित तरीके से अध्ययन कर सकें। आदित्य L1 को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर Lagrange Point 1 में स्थापित किया जाएगा, लेकिन ये Lagrange Point आखिर है क्या? एस्ट्रोनॉमर RC कपूर बताते हैं कि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच एक ऐसा बिंदु है जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण एक बराबर होता है। यहां से कोई भी यान सूर्य का उसी कोणीय गति से चक्कर लगाएगी जिस गति से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और यहां से आदित्य L1 एक बिना किसी ग्रहण के लगातार सूर्य की स्टडी कर पाएगा। आदित्य L1 को Lagrange Point को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सूर्य का जो कोरोना है वो बहुत ही गर्म गैसों का एक वातावरण है और इसका अध्ययन केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही किया जा सकता था, और उस समय भी वैज्ञानिकों को केवल कुछ सेकंड से लेकर अधिकतम 7.5 मिनट तक का ही समय मिल सकता था, जिसमें वो उसकी तस्वीरें ले सकते थे, उसका वर्णक्रम आदि। लेकिन आदित्य L1 में जो
कोरोना ग्राफ लगा है वो इसका अध्ययन काफी समय तक कर सकता है, यानी कि 24/7 और 365 दिन साल के। तो ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पीएम मोदी ने सूर्य मिशन की घोषणा की थी और अब आदित्य L1 मिशन अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार है। इस मिशन के जरिए भारतीय वैज्ञानिक एक बार फिर से अपनी क्षमता और काबिलियत बताएंगे। भारत अंतरिक्ष में एक और उपलब्धि के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। झारखंड में कम बारिश से सरकार और किसान दोनों परेशान हैं। राज्य में पिछले 6 साल में अगस्त तक कम बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगस्त तक मात्र 501.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 35% कम है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अविनाश कुमार। झारखंड में इस बार भी सामान्य से 35% कम बारिश ने न सिर्फ सरकार बल्कि किसानों को भी हलकान कर दिया है। इस साल की अगर हम बात कर लें तो अभी तक अगस्त माह की अगर हम बात करें तो मात्र 501.8 मिलीमीटर ही बारिश हुई है, और जो कहा जा रहा है कि अगर हम पिछले 6 साल के आंकड़ों पर गौर करें तो अगस्त माह तक में ये सबसे कम बारिश रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अगर हम साल के हिसाब से जो आंकड़े सामने आए हैं उसको अगर हम गौर करें तो जो जानकारी मिल रही है 2018-19 में 26% कम बारिश हुई थी, 2020-21 में 7% कम बारिश हुई थी, और इसी तरह अगर हम पिछले साल की भी बात कर लें तो 27% के करीब कम बारिश हुई थी। और ये जो हम कम कह रहे हैं ये सामान्य से कम की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा असर किसानों पर पड़ा है। अगर उनके खेत को देखें, उनके फसलों को देखें तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, और इसको लेकर सरकार भी काफ़ी परेशान है। और पिछली बार आपको याद होगा कि जब हम 27% कम बारिश की बात कर रहे हैं तब 226 प्रखंड सुखाड़ घोषित हुए थे। इस बार अगर हम अभी तक 35% सामान्य से कम बारिश की बात कर रहे हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर राज्य में 264 प्रखंड हैं और पिछली बार 222 प्रखंड में सुखाड़ पड़े थे तो इस बार वो आंकड़ा कहाँ तक जा सकता है। जो आंकड़े बता रहे हैं, जो आंकड़े सामने आए हैं, मौसम विभाग जो लगातार कह रही है, जिस ओर इशारा कर रही है, ये साफ है कि झारखंड इस बार भी सुखाड़ के चपेट में है। लेकिन सरकार के तरफ से क्या कुछ राहत किसानों को दिया जाएगा, चाहे वो राज्य सरकार की बात कर लें या फिर केंद्र सरकार की बात कर लें, ये सारी चीज़ें अभी तय होना बाकी है। न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। राजधानी रांची में लोगों को इमरजेंसी में तुरंत मदद मिल पाए इसे लेकर रांची में 50 लोकेशन पर आपातकालीन कॉल सेवा बॉक्स लगाए गए हैं। हालांकि वर्तमान में 42 लोकेशन पर ही इमरजेंसी कॉल बॉक्स सेवा काम कर रही है। अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं या किसी तरह की मदद की आपको जरूरत है तो अपने आसपास मौजूद इमरजेंसी कॉल बॉक्स पर आप जाकर कंट्रोल रूम को सीधे सूचना दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर सड़क के किनारे इमरजेंसी कॉलिंग बॉक्स को दिखेगा वहां से जाके वो सीधे स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम में बात कर सकता है, और वहां से जो है वो सूचना जैसे ही स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम में जाती है तो वो वापस रिले होके हमारे कंट्रोल तक यहां पे आती है, और संबंधित जो भी PCR वहां पे मौजूद है या फिर कोई स्टैटिक मौजूद है उसको सूचना दी जाती है और त्वरित कार्रवाई होती है। लगा हुआ तो काफ़ी समय से है और ये चीज़ भी बहुत ही अच्छी है क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन है, दोनों तरफ से बातचीत हो सकती है। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को यही बताना चाहूँगा कि अपने आसपास अगर कोई भी ऐसी विकट स्थिति आती है जिसमें आपको पुलिस के सहयोग की जरूरत है तुरंत इमरजेंसी कॉलिंग बॉक्स तक जाइए, उससे कॉल कीजिए। 24 घंटे हमारे लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं, तुरंत रिप्लाई आएगा और आपको मदद की जाएगी।